दीदी आप एक बार मेरे को फोन दे सकते हो? क्यों, क्या करना है? मेरे को ना अपनी फ्रेंड को फोन करना है, वो ना मेरी छुट्टी हुई है ना अभी स्कूल से, तो मैंने सोचा उसे फोन कर लूं, उसे भी यहाँ बुला लूंगी ना, फिर हम दोनों खेलने चले जाएंगे। क्यों घर नहीं जा रहे तुम? नहीं अभी घर नहीं हूँ, फिर आधे घंटे बाद मेरे को ट्यूशन जाना है ना, इसलिए वो तो थोड़ा खेल लूंगी मैं, फिर ट्यूशन निकल जाऊंगी। कहीं और तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं नहीं आपको इतनी ऐसे लग रही मैं? ये लो दो फोन दो। लो थैंक यू। हेलो, हाँ राधिका बोल रही हूँ यार मैं। हाँ यार अब तलब लगी थी सिगरेट की, तो अब दीदी से फोन मांगा है कि तू भी आ जा ना, इस साइड ही आ जा तू भी। एक मिनट रुकियो, पता नहीं दीदी ने एकदम से लाइटर छीन लिया। एक मिनट रुक कर रही हूँ। क्या हुआ दीदी, आपको लाइटर लेना है तो वैसे ले लो ना। लाइटर लाइटर ही, सिगरेट भी दे। क्यों है तो लालच कर रहे हो आप? तो लालच की क्या बात है, तेरी उम्र है सिगरेट पीने की? बात सिगरेट की नहीं है। फोन मांगा है ना, फोन पे बात कर, ये क्या है? तो फोन पे बात करते करते पी तो रही हूँ, वो भी आ जाएगी, वो भी साथ पिएगी मेरे। स्कूल में ये सब सिखाते हैं क्या तुम लोगों को? बात स्कूल तक कहाँ आ गई, आप दे रहे हो तो दे दो। अब तुम्हारी मम्मी का नंबर दे दो जरा मुझे। एक मिनट पहले आप लाइटें दो, मम्मी कहाँ से आ गई? मैंने फोन मांगा ना आपसे। इधर दो। दीदी 140 रुपए की डिब्बी है वो पूरी। लाके किसने दी तुम? मतलब तुमको डिब्बी भी दे दी वहाँ पे? पूरी डिब्बी लेके आई हो तुम? नहीं थोड़ी सी बच रही है बस। तो अब इसमें मतलब तू रास्ते में पीकर भी आई यार? हाँ हाँ मैं मेरी फ्रेंड पीती है। मतलब तुम लोग सिगरेट भी तो शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुम लोगों को? इसमें क्या शर्म, हार्मफुल होती है ये? अरे हार्मफुल को बाहर में जाने दो, आप मेरे को मेरे लाइटर दो। बल्कि वो सिगरेट भी दर दे। मैं कोई सी सिगरेट वापसी नहीं दे रही आपको, ठीक है ना? मैं दूंगी नहीं। इधर दे रही है, मम्मा को फोन करो तुम्हारी। दीदी मेरे को पहले लाइटर दो। अरे कहीं पे भी हो, छुट्टी होगी अब तो स्कूल की। छुट्टी कहाँ पे पढ़ती हो? यही सिखाते क्या स्कूल में? हाँ मेरे को तो यही सिखाया अभी तक। मेरे को सिगरेट दे रही हो? नहीं दे रही। नहीं दे रही दीदी। अच्छा मेरी बात सुनो एक। हाँ क्या सुनूं? देखो मेरे फ्रेंड्स पीते हैं। अरे फ्रेंड्स कुएं में गिरेंगे, तुम भी कुएं में? हाँ गिर रही हूँ ना, उनके साथ सिगरेट पी रही हूँ। फिर समझ नहीं रहे आप क्या मतलब है सिगरेट पीने का? एज है तुम्हारी? अच्छा मेरी एज नहीं है। हाँ इतनी छोटी बच्ची होकर 14 साल की हूँ मैं। वे भगवान, 14 साल की बच्ची। प्लीज दीदी हाथ से छीना, थप्पड़ लगा दूंगी। मैं कहीं और से खरीद लूंगी फिर। कहीं और? हाथ से सिगरेट दे इधर। वो मैं तो नहीं दे रही आपको सिगरेट। क्यों दे रही? 10 रुपए की 140 का डिब्बा था। 140 का डिब्बा किसने ला कर दिया तुमको ये? वो क्यों बताऊं मैं आपको? क्यों मतलब कौन से पनवाड़ी से लेके आई? मुझे लेके चल चल। पनवाड़ी वो क्या होते? अच्छा शॉप। हाँ जहाँ से लेके आई। अरे वो मैं नहीं लेकर आई। अच्छा बैठो बैठो बैठो, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं मैं उसको मैं बता दूँ कि ऐसे कैसे दी थी 18 एज प्लस। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हाँ ठीक है मेरी बात तो सुनो। देखो दीदी मैं तो आपको समझा रही थी, आपने सिगरेट छीन ली। क्या है? मैं आपको बता रही थी ना कि डिब्बा किसने ला कर दिया है। हाँ दो भी सिगरेट तुम्हें। पर दीदी मैंने आपको अच्छा ठीक है एक काम करो, मैं सिगरेट नहीं पी रही, अब मेरे को डिब्बी तो दे दो। तो सिगरेट पीनी नहीं तो डिब्बी किस का? अरे मेरे को एक भैया ने ला कर दी थी, उन्हें पैसे दिए थे मैंने। अब मेरे पर्स में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तो लगाऊंगी हाथ के पैर भी नहीं, पैर तो नहीं लगा सकते। बताओ अभी। अरे दीदी दे दो ना। ऐसे किसी के पर्स में हाथ डालने किसने सिखाया तुम्हें? अरे तो आपने मेरी चीज रखी है ना। मेरी चीज रखी है? हाँ वो आप भी तो पी रहे हो, आप भी तो पी रहे हो। मेरे को तो बहुत स्ट्रेस रहता है पता है, मेरे ना बहुत दिमाग खराब रहता है 24 घंटे। अच्छा ऐसा कैसा स्ट्रेस? ऐसे तो मेरे को भी स्ट्रेस रहता है। इसका रहता है मुझे, काम भी होता है, घर की भी टेंशन होती है, बहुत चीज होती है। तो मेरे को भी तो स्ट्रेस रहता है। तुमको किस चीज का स्ट्रेस है इस एज में? मेरे को तो स्ट्रेस उस चीज का है ना कि पढ़ाई, मेरे को होमवर्क मिलता है इतना सारा। हाँ तो मतलब ये तुम्हारा होमवर्क मिलता है तो ये सिगरेट पियोगे तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? हाँ आपका आपका हो सकता है तो मेरा नहीं हो सकता। अरे तो तुम मेरी कहाँ वो कर रहे हो? तो आप मेरे को क्यों बोल रहे हो? कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? तो मेरे को क्यों बोल रहे हो? मुझे देखो मैं कितनी बड़ी एज है मेरी और तुम देखो अपने आप को। हाँ तो कितने साल के बताना? मेरी 21 एज है। 21 बताओ। हाँ, और तुम्हारा 14th। तो 14 है तो क्या हुआ? आप भी पी रहे हो, मैं भी पी लूंगी, 7 साल का ही तो फर्क है बस। नहीं पीना ना, यहाँ अपने मम्मी को लेके चल, मैं बताती भी तेरे को। मम्मी का नंबर मिला? नहीं एक मिनट मम्मी को कॉल। नहीं नहीं मैं पहले मेरी बात सुनो, मम्मी को मत बीच में लाओ। एक बात बोलूं आपको वैसे? हाँ? आप ये पी रहे हो, आप मेरे को तो समझा रहे हो कि हार्मफुल है,
आपको ये बात समझ नहीं आई कभी कि ये हार्मफुल है? और ये आप पीते मेरे को घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, कितना क्या रहता है? सुनो सुनो, आप ये पीते हो तो मैं भी, मेरे भी स्ट्रेस है, मैं भी पीने लग जाऊँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं पीती नहीं हूँ, सिगरेट भी मेरी नहीं है। फिर लेके कहाँ से आए हो तुम ये? किसने दी है? रोड पर पड़ी पा गई क्या? मैंने भैया से ली थी, दुकान वाले भैया से ली थी, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके ऊपर, और सिर्फ ये चीज समझाने के लिए आपको कि ये सिगरेट ना, आप जो बोल रहे हो ना मेरे को हार्मफुल है, तो ये आपको भी नहीं पीनी चाहिए। आपके घर वालों को मतलब कैसा लगेगा जब उन्हें पता लगेगा कि आप सिगरेट पीते हो? चलो वो भी छोड़ो, अगर आपको कुछ हो गया फिर उनके ऊपर क्या बीतेगी, ये सोचा है कभी? तो ये सिगरेट फेंक दो ना, आप भी पकड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, तो एक प्रॉमिस करो, मैं भी नहीं पीऊंगी, तुम भी तो नहीं पियोगे ना? मैं पीती नहीं, मैं नहीं पीती। पक्का? हाँ। अच्छा तो आज से मैं भी नहीं पीऊंगी। हाँ मत पीना। और ये ना आपने बताया मुझे हार्मफुल है, बहुत बहुत ज्यादा होता है, बट यार मुझे तो स्ट्रेस से मैं वही नहीं, अब उससे मत पीना, क्योंकि आपको कुछ हो गया आपके घर वाले कहाँ जाएंगे फिर? और पता है ये सब मैंने कैप्चर भी करा है, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई, उधर देखो मैंने कैमरा भी लगा रखा उससे। हाँ बस ये चीज, बस मैं आपको एक चीज समझा रही थी और कुछ नहीं, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। पक्का पीती तो नहीं ना? नहीं नहीं, बेशक आप ले जाओ, कोई नहीं। नहीं आप भी क्यों लेकर जाओगे, अब आप भी नहीं पियोगे। वैसे ये वीडियो डाल सकती हूँ? हाँ हाँ, हाय कर दो। हेलो, थैंक यू।